फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल कचौरी की रेसिपी, और ये कचौरी बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कचौरी के लिए डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन और देसी घी। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को यहाँ पर हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे, और अगर आप ऐसी फ्राइड चीज़ खा रहे हैं तो अजवाइन पेट के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब इसमें डाल देंगे ये 1/2 कप देसी घी। घी डालने से जो हमारी कचौरी है वो बिल्कुल खस्ता बनेगी। तो अब हम घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हमें जो डो है वो एकदम सॉफ्ट लगाना है, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है मूंग दाल। मूंग दाल को हमने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था, और ये अच्छे से फूल गई है। और खड़े मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच धनिया, और 2 चम्मच जीरा, और 4 से 5 लाल मिर्च। तो सबसे पहले हम मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें दरदरा पीसा है, और अब इन्हें निकाल लेंगे। और उसी जार में हम मूंग दाल को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल को सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाया था, और यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करा है, इसे थोड़ा मोटा ही रहने दिया है। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम मसालों में ले लेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर, हींग और बेसन। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच हींग। तो हींग इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, जब भी हमारी कचौरी में स्वाद आएगा, और राजस्थानी कचौरियों में भी हींग ज़्यादा ही डलता है। तो अब इसमें हम वो ग्राइंड करा हुआ मसाला डाल देंगे। तो ये खड़े मसालों को हम तेल में थोड़ा भून लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम 3 चम्मच बेसन। और बेसन को भी हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर बेसन अच्छे से सिक गया है, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब इसमें डाल देंगे मूंग दाल, और सभी मसालों के साथ मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मूंग दाल अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो गई है, और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे।
तो यहाँ पर सारी स्टफिंग बॉल्स बन चुकी हैं और अब हम आटे को थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। तो देखिए जितनी हम रोटी बनाते हैं उसी साइज़ की हमने यहाँ पर लोई ली है और अब हम इसे राउंड करते हुए साइडों में से इसे फ्लैट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम इसे बीच में से प्रेस ना करें, इसे सिर्फ साइड में से फ्लैट करना है और बाकी आटे को हम गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो ये स्टफिंग डालकर हमें स्टफिंग को नीचे प्रेस करते हुए साइड्स कॉर्नर्स को ऊपर उठाना है और इसे बिल्कुल अच्छे से सील पैक कर देना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसे एकदम सही से सिक्योर एकदम सील पैक कर दें ताकि जो हमारी कचौरी है वो बिल्कुल फटे नहीं। तो देखिए मैंने इसका ये एंड पॉइंट निकाल दिया है और इसे राउंड करते हुए इसे फ्लैट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसे बीच से प्रेस कीजिएगा जिससे कि जो कचौरी है वो अच्छी तरह फूलेंगी। तो देखिए ये कचौरी बन गई है। ऐसे हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। कचौरी में स्टफिंग भरने के लिए अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कचौरी के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें अच्छे से सील कर देना है ताकि जो हमारी कचौरी है वो बिल्कुल फटे नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी स्टफ्ड कचौरी रेडी है और यहाँ पर हमने तेल पहले से ही गर्म रख दिया था। तो शुरू में हमें यहाँ पर फ्लेम को लो रखना है और हम इसमें कचौरी डाल देंगे। अभी कचौरी नीचे बैठी हुई है लेकिन जैसे ही ये नीचे से सिक जाएंगी ये ऊपर आने लग जाएंगी। तो यहाँ पर सारी कचौरी ऊपर आ चुकी है और अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कचौरी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये अच्छे से सिक गई है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो अब हम दूसरा स्लॉट भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कचौरी रेडी है और मैं आपको एक कचौरी तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये अंदर से कितनी अच्छी तरीके से सिक गई है और मसाला भी चारों तरफ एकदम अच्छे से फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स रेडी है मूंग दाल की खस्ता कचौरी और हमने इसे बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनाया है और ये हलवाई की कचौरी जितनी ही खस्ता बनी है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।